फ्रांस में नीस टेरर अटैक के दहशत गर्दों की पहचान, अब तक 84 लोगों की मौत। राष्ट्रपति ओलांद ने की 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में यूपी चुनाव पर मंथन, आरपीएन सिंह बोले यूपी फतह करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार, नए प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर 17 जुलाई को संभालेंगे चार्ज। शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट बनाने पर मायावती के कांग्रेस पर सियासी बाण, बोली कांग्रेस का दिवालियापन उजागर, तो मोदी राज में दलितों मुस्लिमों का शोषण बढ़ा। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर बोला हल्ला, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के 9 महीने बाद रिहाई, अगले 6 महीने राजस्थान के उदयपुर में रहेंगे, यूपी में भी कर सकते हैं चुनावी प्रचार। दार्जिलिंग में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के काफिले की एक कार दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोग घायल, पीएम मोदी ने जाना हालचाल। पुणे में गोल्ड मैन के नाम से मशहूर दत्तात्रेय फुगे की हत्या, पहनते थे 1.25 करोड़ की गोल्डन शर्ट, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार।